बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टडी लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिना एंड लियाकत अली खान इन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ये पेज नंबर 64-65 पर है। आप लोग डेट लेके सबसे पहले इस टॉपिक पर आज का 6/4/65/2021 का बुक्स ओपन करें और जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, इवेंट्स है, मीनिंग है, वो साथ साथ लिखते जाए। उसके साथ जो इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे उनको भी हाईलाइट करें, फिगर वगैरह जो भी है उसको हाईलाइट करते जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिना और लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम में, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में क्या किरदार अदा किया था। ये तो हम सब जानते हैं कि मोहम्मद अली जिना और लियाकत अली खान दो नुमाया शख्सियात है। एक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था। उन्होंने पाकिस्तान के कायम करने में, पाकिस्तान को आज़ाद, सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद करने में, सब कॉन्टिनेंट को तकसीम करने में और सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम के लिए एक सेपरेट स्टेट या अलग वतन बनाने में नुमाया किरदार अदा किया था। लेकिन पाकिस्तान के बन जाने के बाद, आज़ादी हासिल हो जाने के बाद भी इन दो शख्सियात का नुमाया किरदार रहा है पाकिस्तान को तरक्की के राह पर गामजन करने, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने, पाकिस्तान को एक मजबूत बुनियाद फराहम करने में उनका नुमाया नाम है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन दो शख्सियात ने पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम में, तरक्की में क्या किरदार अदा किया था। अगरचि इन दोनों को मौका बहुत कम मिला था, टाइम बहुत कम मिला था। मोहम्मद अली जिना को 1 साल और 25 दिन का, यानी 14 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948 तक का टाइम, वो भी ज्यादातर बीमार थे। इसके बावजूद उन्होंने नुमाया किरदार अदा किया। इसके अलावा कायद आजम मोहम्मद अली जिना के बाद लियाकत अली खान को 4 साल का तकरीबन जो टाइम था वो मिला था, 1947 से अक्टूबर 1951 तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस पर है कि मोहम्मद अली जिना और लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम में क्या किरदार अदा किया था। मुख्तसर खुलासा मैं पेश करता हूँ, उसके बाद रीडिंग करेंगे। मोहम्मद कायद आज़म मोहम्मद अली जिना और लियाकत अली खान दोनों ने पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में जो किरदार अदा किया था वो पाकिस्तान के बन जाने के बाद तकरीबन हर शोबे से मुतालिक था, चाहे वो पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल की बात हो, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बात हो, पाकिस्तान की इंडिया के साथ तकसीम जो थी असासों की उससे मुतालिक हो, पाकिस्तान का अपने हमसाए ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात हो, या पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जो ड्यूरेंट लैंड का मसला था उस पर बात हो, जो भी मसाइल पाकिस्तान को पेश आए थे उन सब को हल करने में, उन सब का हल निकालने में इन दोनों ने नुमाया काम किया था। स्टार्ट लेते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद आजम एंड मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान नॉट ओनली मेड कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स, यानी कायद आजम मोहम्मद अली जिना जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे उन्होंने, और पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने ना सिर्फ आईनी कोशिश की, आईनी जद्दोजहद की, कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स, आईनी जद्दोजहद इन द फ्रीडम मूवमेंट, तहरीक आज़ादी में, एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को कायम करने में। मोहम्मद अली जिना और लियाकत अली खान ने पाकिस्तान को कायम करने, पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में न सिर्फ आईने जद्दोजहद की बट आल्सो मेड द कंट्री स्टेबल बाय वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, बल्कि पाकिस्तान बन जाने के बाद पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में, मजबूत बनाने में दिन रात काम किया था। यानी उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, जद्दोजहद की, न सिर्फ पाकिस्तान के बनाने के लिए बल्कि पाकिस्तान के बन जाने के बाद पाकिस्तान के कायम, पाकिस्तान के मुस्तहकम करने में भी। बट सर्विंग द कंट्री फॉर 1 year and 25 days, लेकिन पाकिस्तान की या अपने मुल्क की 1 साल और 25 दिन खिदमत करने के बाद द फादर ऑफ द नेशन बाबा कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिना डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। मोहम्मद अली जिना 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। मोहम्मद अली जिना को, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि मुख्तसर टाइम मिला था, मुख्तसर वक्त मिला था, 1 साल और 25 दिन का, 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए थे ड्यूरिंग द लिटिल पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल के मुख्तसर अरसे में। उनको सिर्फ 1 साल तकरीबन वो खिदमत करने का मौका मिला था कौम का, तो मुख्तसर सी अरसे में जॉइंट विद लियाकत अली खान, लियाकत अली खान के साथ टेकन सच स्टेप, मोहम्मद अली जिना ने ऐसे इकदाम किए थ्रू विच मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वर ओवरकम, जिसके जरिए से
हुकूमत पाकिस्तान के कई मसाइल पर काबू पाया गया, ओवरकम काबू पाना। लियाकत अली खान के साथ मिलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसे इकदाम करवाए जिनके जरिए से पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल पर काबू पाया गया। सम गाइडिंग प्रिंसिपल हाइलाइटेड बाय कायदे आज़म आर द फॉलोइंग। जो रहनुमा उसूल थे जिनका कायदे आज़म ने जिनके कायदे आज़म ने निशानदेही की थी, जिनके जिन पर अमल करने की बात की थी, जिन पर अमल करने का कहा था, वो उसूल कुछ इस तरह से थे। फर्स्ट नंबर ये था कि फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज ही नॉट ओनली परसुएडेड द पीपल टू बी पेशेंट। जिस तरह हमने पहले टॉपिक में जिक्र किया था कि पाकिस्तान को इब्तिदा में जो मसाइल पेश आए थे उनमें कहा मसला मुहाजरीन का था, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग इंडिया से हिजरत करके आए थे, तो उनकी रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का मतलब है दोबारा आबादकारी। फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज मुहाजरीन की आबादकारी के लिए ही नॉट ओनली परसुएडेड द पीपल, ना सिर्फ उन्होंने लोगों को कायल किया, कौम को जो पाकिस्तानी थे उनको कायल करवाया टू बी पेशेंट, के सब्र करे, सब्र से काम ले, बट आल्सो टुक प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर द देयर सेटलमेंट, बल्कि उन मुहाजरीन की आबादकारी के लिए उनके घर या दूसरी चीजों के बंदोबस्त के लिए उन्होंने अमली इकदाम भी करवाए। एस्टेब्लिश्ड रिफ्यूजीज रिलीफ फंड और उनके सेटलमेंट के लिए रिफ्यूजीज या मुहाजरीन के इमदादी फंड को भी कायम किया। रिफ्यूज रिलीफ फंड के क्याम का जो क्रेडिट है वो भी मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है कि उन्होंने मुहाजरीन की आबादकारी के लिए एक रिफ्यूज रिलीफ फंड या मुहाजरीन आबादकारी फंड कायम किया था। सेकंड नंबर है कीपिंग इन व्यू द प्रॉब्लम ऑफ सेफ्टी ऑफ द कंट्री। मोर इम्पोर्टेंटली ग्रेट पार्ट ऑफ द बजट वॉज स्पेसिफाइड फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। दूसरा जो उसका उसूल था वो ये था कि पाकिस्तान के तहफ्फुज के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी में ही बजट का ज्यादातर हिस्सा वो दिफा के लिए मुख्तस किया था, दिफा पर ज्यादा खर्चा किया था। अगर जी पाकिस्तान अभी अभी बना था, इकोनॉमिकली कमजोर था, एसेट्स में उनको पुल जो उनका हिस्सा था वो नहीं मिला था, इसके बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की सेफ्टी को महफूज करने के लिए बजट का ज्यादातर हिस्सा वो डिफेंस के लिए एलोकेट किया, दिफा पर खर्चा ज्यादा किया। ही ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स विद इंडिया एंड अफगानिस्तान पीसफुली, और उन्होंने कोशिश की कि इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ जो तनाज़ात है, डिस्प्यूट्स है, जो मसाइल है, जो झगड़े हैं, वो पुरमन तरीके से हल हो जाए। इंडिया के साथ कश्मीर का मसला था और अफगानिस्तान के साथ हमारा ड्यूरेंट लाइन का मसला था, जो पाकिस्तान बन जाने के बाद पख्तूनिस्तान की सूरत में जो मसला था वो कड़ा हुआ था। तो पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपने जो डिस्प्यूट्स थे, जो मसाइल थे, उनके हल की कोशिश की थी। थर्ड नंबर कायदे आज़म इन हिज एड्रेस ऑन 15 जून 1948, 15 जून 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने खिताब में कहा था टू अवॉइड प्रोविंशियल प्रेजुडाइस के जो सूबाई और नस्ली तासुबात है, मतलब जो डिफरेंट प्रोविंसेस के दरमियान या पाकिस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ लोगों के दरमियान जो तासुबात है उनसे बचा जा सके। He instructed the civil servants, उसने सिविल सर्वेंट्स से उनको हिदायत की। He instructed the civil servants, उसने मुलाजमीन से कहा to perform duties as servant of the people, के वो लोगों के हादिम बनकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे, अपने फराइज पूरे करे। Adopt such attitude, और इस तरह कर भी अपनाए, especially जो सिविल सर्वेंट की बात है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनसे खिताब के दौरान उनसे जो स्पीच उन्होंने की थी, एड्रेस जो किया था उसमें ब्यूरोक्रेसी से कहा था कि आप लोग ऐसा रवैया अपनाएं कि आप लोग कौम के हादिम नजर आए, मुल्क की खिदमत करे, कौम की खिदमत करे। Adopt such attitude that the people may feel that you are not the ruler but servant of the nation. Actually बात यह है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या जो नौआबादियात या कॉलोनियल पीरियड में जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम स्टार्ट हुआ था उसमें ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे और वो पूरे मुल्क को चलाते थे। तो पाकिस्तान बन जाने के बाद चूँकि पाकिस्तान को वही सिस्टम एज अ इनहेरिटेंस मिली थी, वो विरासत में मिला था ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को उन ब्यूरोक्रेसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में थी उसका पता था, उनके किरदार का, उनकी पावर का, उनके एटीट्यूड का। तो अपने मुल्क आज़ाद हो जाने के बाद या अपना वतन मिल जाने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्यूरोक्रेसी से खिताब
करते हुए कहा था कि आप लोग अपना रवैया जरा अवाम के साथ ऐसा रखें कि अवाम आपको अपना हादिम समझे, आप पर इतमाद करे, आप हुक्मरान नजर ना आए। नंबर फोर्थ था टू मेक स्ट्रॉन्ग द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तशखस को मजबूत बनाने के लिए, दुनिया में पाकिस्तान के तशखस को मजबूत बनाने के लिए, दुनिया के ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बनाने के लिए, या मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह यूनाइटेड नेशंस वगैरह है उनके साथ राबिता बनाने के लिए, कायदे आज़म टुगेदर विद लियाकत अली खान डिटरमिन्ड सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर भी मोहम्मद अलजिन्ना ने लियाकत अली खान के साथ मिलकर ऐसे रहनुमा उसूल की निशानदही की विच एम्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, जिसके ज़रिए से एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जाए जो कि मसावात पर और माशरती इंसाफ पर मबनी हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के तशहुस को बेहतर करने के लिए, चूंकि पाकिस्तान बन जाने के बाद पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान नहीं थे, यहाँ पर और भी ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मजाहिब से था, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस थे, ज्यूस थे, सिक्स थे, पारसीस थी, तो उन लोगों को मुहिब वतन पाकिस्तानी बनाने, दुनिया भर में पाकिस्तान का सही तशहुस उजागर करने, अकलियतों को मसावी हुकूक देने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसी उसूलों की निशानदही की जिसके ज़रिए से एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जाए जो कि बराबरी और माशरती इंसाफ पर मबनी हो। नंबर फिफ्थ पॉइंट, कायदे आज़म प्लेड अ वाइटल रोल इन इंक्लिनेशन ऑफ यंग जनरेशन टुवर्ड्स एजुकेशन। मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवानों को तालीम की तरफ रागब करने, इंक्लिनेशन का मतलब है रागब करना, झुका देना, उसकी तरफ तवज्जो दिलाना। कायदे आज़म प्लेड अ वाइटल, वाइटल अहम, इम्पोर्टेंट। कायदे आज़म प्लेड अ वाइटल रोल इन इंक्लिनेशन ऑफ यंग जनरेशन टूवर्ड्स एजुकेशन। जिस तरह मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बन जाने से पहले नौजवानों को अपनी जो एनर्जी है वो तालीम पर लगाने की तलकीन की थी, ऐसी ही पाकिस्तान बन जाने के बाद भी उन्होंने नौजवानों से कहा कि आप अपनी जो तवानाई है, अपनी तवज्जो जो है वो एजुकेशन की तरफ इंक्लाइन करें, उसके तरफ मोड़ दें। ही ट्राइड टू गिव फीलिंग्स टू द यूथ दैट द यंग जनरेशन इज द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश की कि नौजवानों को ये एहसास दिलाया जाए कि नौजवान ही किसी कौम का मुस्तकबिल है। स्टेबिलिटी में इसका भी रोल है, इसलिए कि जब कोई कौम या किसी कौम के नौजवान तालीम याफ्ता नहीं होंगे, एजुकेशन उसकी वैल्यू कम होगी, रेट जो उसकी लिटरेसी की वो कम होगी, तो फिर वो डिफरेंट जो फील्ड है, चाहे वो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसमें वो तरक्की नहीं कर सकती। साइंस से, टेक्नोलॉजी से, एजुकेशन से, इकोनॉमी से, स्ट्रांग पॉलिटिक्स से, डेमोक्रेसी से ही किसी कौम में, किसी मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इन सब के लिए एजुकेशन ज़रूरी है ताकि मुल्क वैसे तरक्की कर सके जिस तरह के होना चाहिए। तो उन्होंने नौजवानों से खिताब के दौरान कहा था कि आप अपने या अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, फेट ऑफ नेशंस आर डिसाइडेड ड्यू टू देम, और नौजवानों ही की वजह से अक्वाम का जो तकदीर है वो फैसला उसका होता है, यानी किसी कौम का जो तकदीर है वो नौजवानों पर मुनहसर है, अक्वाम की जो आने वाले साल है, जो मुस्तकबिल है, उसका इन्हिसार नौजवानों पर होता है। He insisted upon the young people, और उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया, insisted जोर देना, इसरार करना, to give attention only and only to education, कि सिर्फ और सिर्फ तालीम की तरफ तवज्जो दे। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1936 से लेकर 1948 इन 12 सालों में 3 बार पेशावर का दौरा किया था, और तीनों बार वो इस्लामिक कॉलेज पेशावर गए थे और वहां पर तलबा से खिताब किया था, और वहां पर भी खिताब के दौरान उन्होंने नौजवानों को अपनी तमाम तवज्जो तालीम पर देने की या अपने आप को एक सोल्ड एकेडमिक बैकग्राउंड पर सेटल करने की तलकीन की थी। तो यहाँ यूसी का पार्ट है कि उन्होंने नौजवानों से कहा था कि आप अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ तालीम पर दे दें, टू अवॉइड द एजुटेशन पॉलिटिक्स, और एहतजाजी सियासत से बचे। अवॉइड का मतलब है बच जाना, एजुटेशन एहतजाज, एहतजाजी सियासत से बचे, एंड वर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द कंट्री, और मुल्क की खुशहाली और एग्जिस्टेंस के लिए, कायम रहने के लिए, मुल्क मुस्तहकम रहे, कायम रहे, मौजूद रहे, उसके लिए कोशिश करे, काम करे, मेहनत करे।
As mentioned earlier, that Pakistan came into existence on the world map on 14th August 1948. जिस तरह के पहले हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया था. कायदे आज़म लियाकत अली खान मेड पाकिस्तान मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर हर इंट्रोडक्शन एंड आइडेंटिटी. तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन का मेम्बर बनाया था पाकिस्तान की तारुफ के लिए और शनाहत के लिए, कि दुनिया में पाकिस्तान का एक तारुफ हो जाए, शनाहत पाकिस्तान को मिल जाए. 30th September 1947 यानी तकरीबन 1.5 months after, 1.5 month after the establishment of Pakistan, 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था. कब बना था? 30th September 1947. 30 मतलब पाकिस्तान बन जाने के जल्द ही बाद पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया था, ताकि पाकिस्तान को एक शनाहत मिल जाए, पाकिस्तान दुनिया में मुतारिफ हो जाए. एंड विद इन ए फ्यू मंथ्स और चंद ही महीनों में बायलेटरल रिलेशन वर एस्टेब्लिश विद मेनी कंट्रीज और कई ममालिक के साथ दो तरफा बायलेटरल दो तरफा ताल्लुकात कायम करवाए गए. मतलब जो सफारत या डिप्लोमेटिक रिलेशन है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, यूनाइटेड किंगडम था, या उसके अलावा जो और इस्लामी ममालिक है या जो ग्रेट पावर है, उनके साथ पाकिस्तान की जो रिलेशन थी, ताल्लुकात थे, उनको कायम किया था. ऐसी ही पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने 1950 में यूनाइटेड स्टेट्स का दौरा किया था, विजिट किया था. इसके अलावा उससे पहले पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को यूएसएसआर से, जो एक्स यूएसएसआर यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है, उनकी तरफ से, जो आज का रशिया है, उसकी तरफ से भी विजिट की इनविटेशन मिली थी. अगरचे कुछ वजूहत के बिना पर लियाकत अली खान नहीं जा सकी थी, लेकिन इन्विटेशन मिली थी. ऐसी ही ईरान के साथ या जो दूसरे इस्लामी ममालिक है उनके साथ पाकिस्तान ने ताल्लुकात जल्द ही कायम कर लिए थे. ताल्लुकात का क़याम इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, या जो जोग्राफिकल एंड आइडियोलॉजिकल जो प्रोटेक्शन है वो हो जाए. तो फॉरेन पॉलिसी के बगैर या जो रिलेशन है उसके बगैर किसी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसे नहीं हो सकती जिस तरह की होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुल्क दुनिया में तनहा नहीं रह सकता. द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री वॉज New country was that there will be friendly relations on equality basis with the countries in general and with neighbors and Muslim countries and special. और जो हमारी हारजा पॉलिसी थी या जो फॉरन पॉलिसी थी उसके रहनुमा उसूल में से अहम एक उसूल या जो अहम नुकता था वो ये था कि तमाम ममालिक के साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे इक्वलिटी की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर. तमाम इस्लामी ममालिक के साथ खास कर और जो नाइबर है और इस्लामी ममालिक है उनके साथ खास कर, और इसके अलावा जितनी ममालिक है दुनिया में उनके साथ हम जो दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे वो बराबरी की बुनियाद पर रखेंगे. मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी में ही ये उसूल तय किया था कि पाकिस्तान दुनिया में जितनी ममालिक है उनके साथ खास कर हम साए ममालिक और इस्लामी ममालिक के साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद या इक्वलिटी बेसिस पर रखेंगे. अच्छा, दोबारा से इस टॉपिक की ज़रा एक्सप्लेनेशन करते हैं. हमारा आज का जो टॉपिक था 6 मई 2021 का, वो ये था कि रोल ऑफ कायदे आज़म एंड लियाकत अली खान इन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. स्टेबिलिटी का मतलब है इस्तेहकाम, मुस्तहकम करना, साउंड फूटिंग प्रारंभ करना, एक मजबूत बुनियाद फराहम करना. मोहम्मद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान का इस्तेहकाम पाकिस्तान में क्या किरदार था, यानी क्या इसका ये मतलब है कि सिर्फ उनका काम मुल्क का बनाना था, या आज़ादी दिलानी थी, या सब कॉन्टिनेंट की तकसीम थी, उसके बाद कुछ किया था या नहीं, या उसके बाद भी पाकिस्तान के लिए कोशिश की थी, जद्दोजहद की थी. तो इसका मतलब या जवाब ये है कि हाँ, न सिर्फ ये कि उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में कंस्टिट्यूशनल एफर्ट के जरिए से एक नया मुल्क पाकिस्तान के नाम से कायम किया था सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम के लिए, बल्कि उस मुल्क के कायम के बाद उसके स्टेबिलिटी के लिए भी स्ट्रगल की थी, एफर्ट्स की थी. उनमें नुमाया जो किरदार है वो पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम थे उनका सॉल्व करना था, चाहे वो नाइबर के साथ हो या उसके साथ फॉरेन पॉलिसी का था, इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी थी वो फराहम करनी थी. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का पाकिस्तान की जो फाउंडेशन थी वो रखी थी, बुनियाद रखी थी. तो ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ एक अहम कदम था. इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे ममालिक बशमूल यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, USSR या मुस्लिम वर्ल्ड के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन
कायम की थी, इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की एसेट्स की जो प्रॉब्लम थी, जो इशू था उसको सॉल्व करने, वाटर का जो कैनाल वाटर का इशू था वो, या जो रिफ्यूजीज प्रॉब्लम था वो, इन सारे मसाइल को हल करने में, या पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनवाने में मोहम्मद अली जिना ने और लियाकत अली खान ने नुमाया किरदार अदा किया था डिफरेंट कंट्रीज। मोहम्मद अली जिना तो खैर कभी बाहर नहीं गई थी पाकिस्तान बन जाने के बाद किसी भी बिरूनी दौरे पर, लेकिन लियाकत अली खान ने मुख्तलिफ ममालिक के विजिट्स किए थे जिनमें नुमाए नाम वो यूनाइटेड स्टेट्स का था कि जिसमें पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो 1950 में गए थे। ऐसे ही जो ईरान गए थे जिसके जवाब में ईरान के जो शाह थे उस जमाने के रजा शाह वो 1950 में पाकिस्तान आए थे, ब्रिटिश गए थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान आए थे। तो पाकिस्तान को मुस्तहकम करने, स्टेबल करने, या पाकिस्तान की माशी सियासी जुग्राफियाई जो हालत है उसको बेहतर करने के लिए इन दोनों रहनुमाओं का या इन दोनों लीडरों का किरदार नुमाया रहा है। इसके अलावा कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल की भी हमने बात की कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन से रहनुमा उसूल तय की थी जिसके जरिए से ना सिर्फ माशी और जोग्राफियाई जो स्टेबिलिटी है वो मिल जाए बल्कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज भी दुनिया के सामने आ जाए। उसमें से जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में आबाद थी उनकी जो राइट्स थी वो फराहम करना कॉन्स्टिट्यूशनली, उस पर भी बात हुई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस पर डेट लेके एक्सेशन ऑफ स्टेट्स, रियासतों के जो इल्हाक की मसाइल की बात थी। आज़ादी से पहले या पार्टीशन से पहले, सब कॉन्टिनेंट के तकसीम से, बरसगीर के तकसीम से पहले सब कॉन्टिनेंट में राउंड अबाउट 560 डिफरेंट फिगर है, कुछ किताबों में 560 है, कुछ में 562 है, कुछ में 590 है, लेकिन हम अपने बुक को फॉलो करेंगे, हमारे बुक में ये फिगर 560 है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले सब कॉन्टिनेंट में जो अंग्रेज दौर था, जो ब्रिटिश पीरियड था, उसमें 560 शाही रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब जो शख्सी रियासतें हैं, जो खानदानी रियासतें हैं वो मौजूद थी, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि आप अपनी जो अंदरूनी या इंटरनल जो ऑटोनॉमी है उसको या खुद मुख्तार है उसको बरकरार रख सकते हैं। लेकिन तकसीम कि जो फार्मूला था, 3 जून प्लान जो था, उसके मुताबिक इन रियासतों के बारे में भी फैसला हुआ था, डिसीजन ले लिया गया था कि इनमें से कोई भी रियासत इंडिया या पाकिस्तान के साथ चाहे तो एसेशन कर सकता है, इल्हाक कर सकता है, लेकिन कुछ रूल्स भी उनके लिए तय किए थे जिनका बाद में जिक्र करेंगे। तो पाकिस्तानी एरियाज में भी बहुत सारे स्टेट्स आ रहे थे, ऐसे ही कुछ मुस्लिम स्टेट्स थे जो इंडियन टेरिटरी में या हिंदुस्तानी इलाके में आ रहे थे, जिनमें नुमाया नाम वो हैदराबाद का है, मनावादर का है, जूनागढ़ का है, और इसके अलावा एक जो अहम रियासत या प्रिंसली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर के नाम से, उसकी भी बात करते हैं कि उसका फिर क्या नतीजा निकला था इस फैसले का। एक्सेशन ऑफ द स्टेट्स या रियासतों के इल्हाक का मसला, बिफोर पार्टीशन देयर वर अबाउट 560 प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया। बरतानवी हिंद में तकसीम से पहले तकरीबन 560 शाही रियासतें थी, बट अकॉर्डिंग टू द जून 1947 प्लान, बिसाइड्स अदर थिंग्स, दीज स्टेट्स वर गिवन एन ऑप्शन टू लिव इंडिपेंडेंट आर टू एक्सीड विद आइदर वन ऑफ द टू स्टेट्स, पाकिस्तान और इंडिया। 3 जून 1947 का जो मंसूबा था जिसका ऐलान लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में किया था, उसके मुताबिक जहाँ और बहुत सारी चीज़ों की तकसीम की बात हुई थी, जहाँ बहुत सारे मसाइल के हल की बात हुई थी, वहाँ इन रियासतों के बारे में भी बात हुई थी। रियासतों के लिए उसूल ये था कि अगर ये रियासतें आज़ाद रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, या ये दोनों पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक के साथ अपनी रियासत को मिला सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, इल्हाक कर सकते हैं। Under this principle, Bahawalpur, Makran, Kallat and states of KP province acceded to Pakistan. इस उसूल के जरिए से, यानी इल्हाक या एक्सेशन के इस उसूल के जरिए से बहावलपुर का, मकरान का, कल्लात का और हैबर पख्तूनख्वा में जो रियासतें थी, जिनमें दीर का, सवात वगैरह की जो रियासतें थी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिल जाने का या इल्हाक का फैसला किया। एक्सीडेड मिल जाना, इल्हाक करना, यानी अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करवा लेना। इन एडिशन इसके अलावा, यानी इन रियासतों के अलावा, द स्टेट्स ऑफ जूनागढ़ एंड मनावादर डिसाइडेड एक्सेशन टू पाकिस्तान। ये दो रियासतें जो थी, जूनागढ़ की और मनावादर की, ये इंडिया
के इलाके में या हिंदुस्तानी टेरिटरी में आ रहे थे, लेकिन चूंकि उनका जो रहनुमा था या जो लीडर था, जो रूलर था, वो मुस्लिम था और आबादी वो मेजोरिटी मुस्लिम पर मुश्तमिल थी, तो इन इसलिए इन रियासतों ने भी, जो नागढ़ ने भी और मनावादर ने भी, पाकिस्तान के साथ शामिल होने का या पाकिस्तान के साथ इलहाक का फैसला किया। बट इंडियन गवर्नमेंट इन नवंबर 1948 एंटर्ड हर फोर्सेस इन दीज स्टेट्स एंड टुक इट ओवर बाय फोर्स। लेकिन इनके इस डिसीजन या इस फैसले के बरकस नवंबर 1948 में हिंदुस्तान ने अपनी फौजी अफवाज इन इलाकों में या इन रियासतों में दाखिल करवाए और इनको जबरदस्ती कब्जा किया। इन दो रियासतों ने, जूनागढ़ और मनावादर ने, पाकिस्तान के साथ इलहाक का या पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन नवंबर 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी फौजी इन रियासतों में उतरवा दी और इनको